सब्जियाँ, खिचड़ी, पीले और नारंगी फल और सब्जियाँ, दही, घी और शुरू में 3 से 4 चम्मच खिलाएं, धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं, 1 कटोरी दिन में 2 बार खिलाएं, 7 से 8 महीने के बच्चे को 2 कटोरी, 9 से 11 महीने के बच्चे को 3 कटोरी और ये बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश की माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रांगण में यहाँ पर पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी दिन रात माँ भारती की सेवा, यहाँ स्पीकर पे भी होना चाहिए ना, मंच पे भी सुनाई देना चाहिए। स्पीकर का देख लीजिएगा, एक तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। माननीय श्रीमती अनीता भदेल, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री राजस्थान से हमारा आग्रह है कि कृपया माननीय श्रीमती मेनका गांधी को चुनरी भेंट करें। अतिथि सत्कार का संस्कार इस भूमि की परंपरा रही है। धन्यवाद। नया भारत, सुपोषित भारत, बेटियों और महिलाओं की मजबूती का भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी की इस पावन सोच को श्रद्धा से मंजिल तक पहुंचाने में लगी है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री माननीय श्रीमती मेनका गांधी। आपसे हमारा निवेदन है माननीय कि कृपया स्वागत संबोधन दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित, पार्लियामेंट भी चल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री जी खुद झुंझुनू आए हैं आपसे बात करने के लिए। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने मेरे मंत्रालय को बुलाकर कहा कि उन्हें महिलाओं की स्थिति के बारे में गंभीर चिंता है। बहुत सारे जिले में लड़के और लड़कियों के अनुपात में फर्क इतना है कि जहाँ 1,000 लड़के हैं वहाँ 800 से भी कम लड़कियाँ हैं। इसका मतलब हजारों लड़कियाँ मारी जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा कि आप 100 जिले चुने और लड़कियों की संख्या बढ़ाने के लिए सारी ताकत लगाएं।
ये कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए पूरे समाज की सोच को बदलने की जरूरत थी। आम आदमी की सोच थी कि लड़कियां पराई हैं, वे सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए उन्हें पैदा करना एक बोझ है। हमने डीएम के साथ मिलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम 100 जिले में शुरू किया। आम नागरिक को इसके साथ जोड़ दिया। हमने लोगों को बच्चे की डिलीवरी केवल अस्पताल में ही कराने के लिए प्रेरित किया। अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स पर कड़ी निगरानी रखी। नतीजा ये हुआ कि लड़कियों की संख्या एकदम से बढ़ने लगी और बेटियों के प्रति समाज की सोच बदलने लगी। लगभग सारे जिलों में पैदा होने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ गई। जहां 800 से कम लड़कियां थी, आज केवल 3 साल के बाद 900 से ऊपर हो गई है। इसका पूरा श्रेय मैं प्रधानमंत्री जी की सोच और दूरदर्शिता को देती हूँ। समस्या के बारे में सोचा तक नहीं था। आज 3 साल के बाद मैं आपको बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत के 161 जिलों में सफलता से चल रहा है। एक नई सोच के साथ एक नया भारत हमारी आंखों के सामने बन रहा है। महिलाओं के लिए ये अकेला कार्यक्रम नहीं है। नौकरी करने वाली महिलाओं को 6 महीने की मैटरनिटी लीव दी गई है ताकि वो अपने नवजात शिशु के देखभाल अच्छी तरह से कर सके। महिला सरपंचनियों के ट्रेनिंग पूरे देश में दी जा रही है ताकि वो अपने गांव की तरक्की और सुरक्षा ठीक से करें। उनके लिए वकील पुलिस और डॉक्टरी की सहायता मुफ्त में मिलती है। अभी तक 1 लाख से ज़्यादा औरतों ने इन सेंटरों में को इस्तेमाल किया है। हर हफ्ते हम एक नया सेंटर बनाते हैं। एक ऐतिहासिक बिल जो औरतों और बच्चों के ट्रैफिकिंग रोकेगा हम पार्लियामेंट में ला रहे हैं। वृंदावन में पहली बार 1000 विधवाओं के लिए एक बहुत बड़ा और आलीशान है। ऐसा ही एक सेंटर हम वाराणसी में भी बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में महिला की कृपया विश्व दिना में अपना कार्यक्रम करें, हम सबको संबोधित करें। परम आदरणीय जन जन के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्रीमती मेनका गांधी जी, श्रीमती अनीता बदेल जी, श्री विनोद कुमार पाल जी, श्री अशोक फडणवीस जी, श्रीमती संतोष अहलावत जी, राज्य मंत्रिमंडल के मेरे सब साथीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, झुंझुनू और शेखावाटी और प्रदेश भर से यहाँ आए भाइयों और बहनों, 7.5 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से वीर शहीदों, शिक्षाविदों, दानवीरों और उद्यमियों की इस धरती पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करती हूँ, उनका जोरदार अभिनंदन करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि जोरदार तरीके से और आज के दिन मैं आप सबकी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहती हूँ कि आपके सशक्त और कुशल नेतृत्व में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में भी किमल फैलाने का काम हुआ। मैं समझती हूँ कि पूरे देश के अंदर जोरदार आवाज उठी है कि जहाँ से सूर्य अस्त होता है और जहाँ सूर्य उगता है वहाँ भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा चुका है, कमल खिल चुका है और आज त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के अंदर भी बहुत बड़ा काम ये हमारे सामने हुआ। हम सब के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का दिन है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी झुंझुनू के इस पवित्र धरती के ऊपर पूरे देश को 2 बड़ी बड़ी सौगातें देने के लिए आए हैं। पहली सौगात
देश की जो भावी पीढ़ी है उसको सशक्त बनाने के लिए पूरे देश में नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का शुभारंभ करने का काम आज वो कर रहे हैं। और दूसरी सौगात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, देश के 641 जिले और पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलों के अंदर विस्तार करने का काम आज से शुरू हो जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, युवराज सिंह जी की इस धरती घर घर वीरांगनाएं हैं। ये धरती है कंपनी हवलदार परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह जी की, मोना सिंह जी की जो फाइटर जेट उड़ाने वाले देश की प्रथम 3 महिलाओं में एक है, इसरत एवर जैसे पहले मुस्लिम लेडी कमीशन ऑफिसर जो सेना के अंदर तैनात है, और डॉक्टर घासीराम जी वर्मा जो 90 वर्ष की उम्र में आज गणितज्ञ के रूप में अमेरिका के अंदर अपना नाम कमा रहे हैं। अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से लगभग 8 करोड़ रुपया बालिका शिक्षा के लिए उन्होंने झुंझुनू जिले में दान दिया है। मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी बात। आज पूरे राजस्थान के अंदर अगर इतिहास को देखो तो प्रेरणा दे रहे हैं मीराबाई, हाड़ी रानी और पन्ना धाय। उसके साथ साथ अगर आज करीब से देखो तो हम सबके प्रेरणा सूत्र के हिसाब से उदयपुर की हैंडपंप की वैज्ञानिक है मीराबाई, जयपुर की पहली महिला कूली है मंजू, आरएएस में चयनित नेत्रहीन है हीना कल्ला, और डूंगरपुर में आदिवासी महिलाएं हैं जिन्होंने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 16 लाख बनाने का आज राजस्थान के अंदर काम किया है। हमारी बेटी को हम अपनी अमानत मानते हैं और हम मानते हैं कि अगर बेटी पढ़ेगी लिखेगी सशक्त हो जाएगी तो उसके घर भी सशक्त होगा, उसका समाज भी सशक्त होगा और आगे चलकर प्रदेश भी सशक्त होगा। और इसलिए हम मेहनत करके हमारी बेटियों को पढ़ाने लिखाने का काम के ऊपर पूरा ध्यान देने का काम कर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ योजनाएं प्रारंभ की हैं, चाहे वो राष्ट्रीय योजना हो चाहे वो पद्माक्षी योजना हो, जिसमें बालिका का जन्म अगर से लेकर 12वीं कक्षा तक 50,000 की सहायता अलग अलग चरणों में सीधे खाते में जमा करने का काम हम लोग कर रहे हैं। मेधावी बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख तक की राशि एक मुश्त पद्माक्षी योजना में दी जा रही है। ऐसे अलग अलग प्रोत्साहित करने वाले स्कीम्स के अंतर्गत अच्छे मार्क्स तक की बच्चियों को मिल जाते हैं तो उन बालिकाओं को लैपटॉप, उनको स्कूटीज या उनको साइकिल दिए जा रहे हैं। आज तक हमारी मेधावी बालिकाओं को 4 सालों में 43,000 लैपटॉप, करीब 9,000 स्कूटी और 11.5 लाख साइकिल देने का काम ये सरकार कर चुकी है। और वो पढ़ना चाहती थी, परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई उसको बीच में ही छोड़ना पड़ा। उसे इस अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी राजभवन के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर चर्चा एजेंडा का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। उसके साथ साथ झुंझुनू, गंगानगर, भरतपुर और जयपुर में बालिका के जन्म पर पौधारोपण अब होने लगा है। राजसमंद की पीपलांत्री पंचायत के अंदर हर बालिका के जन्म पर 111 पौधे अब लगाए जा रहे हैं और पंचायत में अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं। और गंगानगर, भरतपुर और दौसा के अंदर सामूहिक विवाह ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। गंगानगर और भरतपुर में और दौसा में सामूहिक विवाह में बेटी बचाने का 8वां फेरा अब लिया जा रहा है। झुंझुनू की बेटी पूजा सैनी जैसे उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाली बालिकाओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का हम लोगों ने अभी काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने महिला सशक्तिकरण की जो योजनाएं देश भर के अंदर चलाई हैं, उनसे हमारे पूरे देश की महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी आया है। अकेले झुंझुनू के अंदर 34,000
उज्ज्वला योजना का लाभ ले रहे हैं और पूरे प्रदेश कुमार ठक्कर कलेक्टर और डीएमसी कर तथा श्री लक्ष्मी नारायण सोनी पूर्व डीएमसी कर इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जिला बीजापुर कर्नाटक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जिला बीजापुर कर्नाटक आप ग्रहण कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ये पुरस्कार, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। नॉर्थ सिक्किम जिला कलेक्टर जिला नॉर्थ सिक्किम यहाँ पर मौजूद है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। जिला तरन तारण पंजाब डीएस हरबंदार पूर्व डीएम तरन तारण इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। हैदराबाद तेलंगाना उपस्थित है और पुरस्कार ग्रहण कर रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। दूसरी श्रेणी है संबंधित अधिनियम लागू कमिश्नर सोनीपत तथा श्री राजीव रत्न पूर्व डिप्टी कमिश्नर सोनीपत, बहुत बहुत बधाई। अहमदाबाद गुजरात अवंतिका सिंह तथा श्री राजकुमार बेनीवाल पूर्व डीएम अहमदाबाद इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको भी। बालिका सिंह कुमार यादव कलेक्टर तथा डीएम झुंझुनू इस पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए मंच पर मौजूद हैं, बहुत बहुत बधाई जिला झुंझुनू को। जिला उधमपुर जम्मू मंत्री जी कृपया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लोगों के लिए जो, बहुत बहुत बधाई आपको भी। अब हमारे के घटते लिंग अनुपात के प्रति जनचेतना, महिलाओं और किशोरियों के प्रति सकारात्मक वातावरण और उसके प्रति जन जागरूकता को जन जन से जोड़ने की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करती है। और अब पूरे भारत भर के 640 जिले जुड़ेंगे। एक सौ 61 जिलों का प्रकाश उत्सव पूरे भारत को रोशन करेगा, भारत की बेटियों की जिंदगी को रोशन करेगा। आपने मुझे खींच लिया, आपने मुझे आने के लिए मजबूर कर दिया और मजबूरी इस बात की थी कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान को इस जिले में जिस शानदार तरीके से आगे बढ़ाया, यहां के हर परिवार ने एक बहुत बड़ा उम्दा काम किया, तो स्वाभाविक मेरा मन कर गया कि चलो झुंझुनू की मिट्टी को माथे पे चढ़ा के आ जाते। अभी वसुंधरा जी वर्णन कर रही थी कि कैसी ये वीरों की भूमि है, इस भूमि की क्या ताकत रही है और इसलिए चाहे समाज सेवा का काम हो चाहे शिक्षा का काम हो चाहे दान पुण्य का काम हो चाहे देश के लिए मर मिटने की बात हो, ये जिले निषिद्ध कर दिया है। युद्ध हो या अकाल हो झुंझुनू झुकना नहीं जानता, झुंझुनू जूझना जानता है। और इसलिए झुंझुनू की धरती से आज जिस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है,
तो मन को एक संतोष होता है, लगता है कि चलो भाई उस स्थिति में सुधार आया। लेकिन कभी कभी मन को बहुत बड़ी पीड़ा होती है। पीड़ा इस बात की होती है कि जिस देश की महान संस्कृति, जिस देश की महान परंपराएं, शास्त्रों में उत्तम से उत्तम बातें, वेद से विवेकानंद तक सही दिशा में प्रबोधन, लेकिन क्या कारण है, वो कौन सी बुराई घर कर गई कि आज हमें अपने ही घर में बेटी बचाने के लिए हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं, समझाना पड़ रहा है, उसके लिए बजट से धन खर्च करना पड़ रहा है। मैं समझता हूं किसी भी समाज के लिए इससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं हो सकती। अब कई दशकों से एक विकृत मानसिकता के कारण, एक गलत सोच के कारण, सामाजिक बुराइयों के कारण, तो जब 4-5-6 पीढ़ी में बुरा हुआ है, वो शायद हम 2 या 3 पीढ़ी में ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसकी पहली शर्त है, अभी जो बच्चे पैदा होंगे उसमें कोई असंतुलन नहीं होना चाहिए। और मुझे खुशी की बात है कि आज जिन जिलों को सम्मानित करने का अवसर मिला, उन पहले 10 जिलों ने इस काम को बखूबी निभाया है कि जो नए जन्म लेने वाले बच्चे हैं उसमें वो बेटों की बराबरी में बेटियों को लाने में सफल हुए हैं। आज जिनको सम्मान करने का अवसर मिला, उन जिलों को, उस राज्य को, उस टीम को मैं बधाई देता हूं, उन्होंने इस पवित्र कार्य को अपने जिम्मे लिया। और मैं और भी देश के सभी अधिकारियों से, सरकार के सभी हमारे साथियों से, मैं राज्य सरकारों से भी अनुरोध करूंगा, इसे जन आंदोलन बनाना होगा। जब तक एक एक परिवार जुड़ता नहीं है, एक बार सांस कह ले कि घर में बेटी चाहिए, किसी की ताकत नहीं है जो बेटी के साथ कोई अन्याय कर सके। और इसलिए हमें सामाजिक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, हमें जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। भारत सरकार ने 2 वर्ष पूर्व हरियाणा, जहां पर अनुपात बहुत ही चिंताजनक था, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए हरियाणा में कार्यक्रम किया। हरियाणा की धरती पर जाकर के ये बात बताना कठिन था। मेरे अफसरों ने मुझे सुझाव दिया था, साहब वहां तो हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वहां जाएंगे तो और नया ही कुछ गलत हो जाएगा। मैंने कहा जहां सबसे ज्यादा तकलीफ है वहीं से शुरू करूंगा। और आज मैं हरियाणा को बधाई देता हूं, उन्होंने पिछले 2 साल में परिस्थितियों की इतनी तेजी से सुधार किया। जन्म के समय बेटियों की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है, वो अपने आप में एक नया विश्वास, नई आशा पैदा करता है। और ये जो पिछले 2 साल के अनुभव है, उसमें जो सफलता मिली है, उसे ध्यान में रख करके आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत सरकार ने अब वो योजना
160 161 डिस्ट्रिक्ट तक सीमित नहीं, हिंदुस्तान के सभी डिस्ट्रिक्ट के साथ अब इस योजना को लागू किया जा रहा है। उसके लिए वहां स्थिति अच्छी भी होगी, ज्यादा अच्छी कैसे हो उसके लिए भी काम किया जाए। हमें और जो लोग मानते हैं कि बेटा है तो बुढ़ापे में काम आएगा, स्थिति कुछ अलग ही है। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जहां बूढ़े मां बाप हो, चार चार बेटे हो, बेटों को अपने बंगले हो, गाड़ियों की भरमार हो, लेकिन बाप और मां अनाथ आश्रम में बुढ़ापा बिताते हो, ऐसे परिवार हमने देखे। और वैसे भी परिवार देखे हैं कि बेटी बूढ़े मां बाप की, क्यों की बेटी मां बाप को बूढ़ेपे में तकलीफ न हो इसलिए रोजगार करती है, धंधा रोजगार सीखती है, नौकरी जाती है, मेहनत करती है, शादी तक नहीं करती है ताकि बुढ़ापे में मां बाप को तकलीफ न हो और मां बाप के लिए अपनी जिंदगी ले। और इसलिए समाज में जो सोच बनी, ये जो विकृति घर कर गई है, उस विकृति से हमें बाहर आना, और इसको एक सामाजिक आंदोलन, ये हम सबकी जिम्मेवारी। सफलता विफलता को कोई सरकार को दोष दे दे ठीक है, वो काम करने वाले करते रहे, लेकिन इसकी सफलता का आधार हर परिवार का संकल्प ही सफलता का कारण बन सकता है। और इसलिए जब तक बेटा बेटी एक समान, बेटी के लिए गर्व का भाव ये हमारे जहन में नहीं होगा, तब तक मां की गोद में ही बेटियों को मार दिया जाए। बेटी को दूध पीती करने की परंपरा थी, एक बड़े बर्तन में दूध भर करके बेटी को डुबो दिया जाता है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है हम 21वीं सदी में होने के बावजूद भी उन 18वीं शताब्दी के लोगों से भी कभी कभी बुरे लगते हैं, क्योंकि 18वीं शताब्दी में कम से कम उस बेटी को जन्म दिया जाने का हक रहता था, उसको अपनी मां का चेहरा देखने का सौभाग्य मिलता था, उस मां को अपनी बेटी का चेहरा देने का सौभाग्य मिलता था, इस पृथ्वी पर उसको कुछ पल के लिए क्यों न हो सांस लेने का अवसर मिलता था, और बाद में वो महापाप कर करके समाज की सबसे बड़ी बुराई वाला काम कर दिया जाता। लेकिन आज तो उससे भी ज्यादा बुरा करते हैं कि मां के पेट में ही न मां ने बेटी का मुंह देखा है, न बेटी का मां का देखा है। आधुनिक विज्ञान की मदद से मां के पेट में ही बच्ची को मार दिया जाता है। मैं समझता हूं इससे बड़ा बुरा कोई पाप नहीं हो सकता। जब तक हम मानेंगे नहीं कि बेटी हमारी आन बान शान है, तब तक ये बुराइयों का दिमाग से निकलेगा नहीं। आज मुझे यहां जिनके परिवार में बेटी पैदा हुई है, उन माताओं से बच्चियों से मिलने का सौभाग्य मिला, उनके चेहरे पर इतनी खुशी थी। मैंने उनको पूछा, क्या आपको पता है, आपको किसी ने बताया कि आप जब पैदा हुई थी तब मिठाई बांटी गई थी? उन्होंने कहा वो तो मालूम नहीं है, लेकिन हमने बेटी पैदा हुई पूरे मोहल्ले भर में मिठाई बांटी थी और एक जश्न मनाया। हमें ये स्थिति बदलनी है, और ये बदलने की दिशा में कई महत्वपूर्ण काम जो सरकार के द्वारा हो रहे हैं उसी के तहत आज इस योजना को पूरे देश में हम विस्तार कर रहे हैं। दूसरा आज कार्यक्रम एक लॉन्च हो रहा है पोषण मिशन का,
राष्ट्रीय पोषण मिशन, अब किसी को भी पीएम को गाली देनी है, पीएम की आलोचना करनी है, पीएम की बुराई करनी है, तो मेरी उनको प्रार्थना है कि जितनी बार आप पीएम की बुराई करें, पीएम को आलोचना करें, अच्छा कहे, बुरा कहे, भला करे, न करे, लेकिन जब भी पीएम बोले, मन में पीएम आए, तो आपको नरेंद्र मोदी नहीं लिखना चाहिए, आपको पीएम सुनते ही पोषण मिशन लिखना चाहिए। देखिए कैसे एकदम से घर घर फैल जाता है। और हमारे यहां बेटा हो या बेटी, उसका शरीर का जो विकास होना चाहिए वो रुक जाता है। कभी जन्म के समय ही बहुत ही कम वजन का बच्चा पैदा होता है और उसमें भी अज्ञानता बहुत बड़ा रोल करती है। हमें इस समस्या से बाहर निकलना है। और फिर भी मैं कहता हूं, ये सिर्फ सरकारी बजट से होने वाले काम नहीं है, ये तब होता है जब जन आंदोलन बनता है, लोगों को शिक्षित किया जाता है, समझाया जाता है, उसके महत्व की ओर देखा जाता है। कुपोषण के खिलाफ पहले काम नहीं हुए ऐसा नहीं है, हर सरकार में कोई न कोई योजनाएं बनी है, लेकिन देखा यह गया है कि ज्यादातर हम लोगों को लगता है कि अगर जितना कैलोरी चाहिए उतना अगर उसके पेट में जाएगा तो फिर कुपोषण से मुक्ति हो जाएगी। बहुत कम लोगों को मालूम होगा बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, ये भी कुपोषित बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा कारण सामने आया। छोटी आयु में शादी हो जाना, बच्चे हो जाना, न मां के शरीर का विकास हुआ है, न आने वाले बच्चे के शरीर पे कोई भरोसा कर सकते। और इसलिए सब जीवन से जुड़े जितने पहलू हैं, अगर बीमार है तो समय पर दवाई, जन्म के तुरंत बाद मां का दूध पीने का सौभाग्य, अदरवाइज हमारे यहां तो पूरी मान्यता रही है, पुराने लोग तो कहते हैं नहीं, जन्म के तुरंत बाद मां का दूध मत पिलाओ, गलत है, सचमुच में वो गलती है। जन्म के तुरंत बाद मां का दूध बच्चे को अगर मिलता है तो पोषण के संबंध में बड़ा होने पर मुसीबतें कम से कम आती हैं, मां के दूध की ताकत होती है, लेकिन हम उसको भी नकार देते हैं। इसलिए मां तो उसके पूर्ण रूप में जब उसको स्वीकार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके महत्व को समझते हैं, तो मां अगर उसकी हम रखवाली करेंगे तो उसकी गोद से होने वाले बच्चे भी कुपोषण से मुक्त होंगे। उन्होंने जो संकल्प किया है उस संकल्प के द्वारा पूर्ण होगा। मिशन इंद्रधनुष के द्वारा, मिशन इंद्रधनुष के द्वारा टीकाकरण के काम में तेजी आई है और हमारी कोशिश है कि वर्ष के अंत तक 90% टीकाकरण के काम को हम अचीव कर लें। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत 6,000 रुपये की आर्थिक मदद उन माताओं को दे, करीब 23,00,000 महिलाएं स्वच्छ भारत अभियान के साथ जुड़ करके, जो लोग वहां हैं नीचे वाले जो डंडे हैं उसको पकड़ लें, आंधी जरा तेज है, हमने उससे मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जब हुए आज जिन योजनाओं का आरंभ हुआ है उसको और तेजी से आगे बढ़ाते हुए हमने हमारे देश को तंदुरुस्त बनाना है। हमारा बच्चे अगर सशक्त हो गए तो हमारा देश का भविष्य भी सशक्त होगा। इसी संकल्प के साथ आप सब इस जन आंदोलन में जुड़िए,
मैं देशवासियों का आह्वान करता हूँ, ये मानवता का काम है, ये आने वाली पीढ़ी का काम है, ये भारत के भविष्य का काम है। आप सब हमारे साथ जुड़िए, पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य का आशीर्वाद लेने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, कोटि कोटि आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत भक्ति महिला शक्ति की एक और मिसाल आज देश देख रहा है। मेरा देश आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर